वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तुम देख रहे हो सरोवर साधुआना साहब तो लाइव प्रसारण न्यूज़ पंजाब दे चैनल दे रही सारिया ही संगत जिन्हें भी सरोवर साधुआना साहब के नाल जुड़िया ने सारे ही इस स्थान बारे पता। जेकर कोई भी संगत नवी आ तो मैं एक बार फिर इस स्थान बारे दस देना चाहना कि यह स्थान संत बाबा सूरत सिंह जी संत बाबा राम सिंह जी महापुरशां ने इस स्थान पर तपस्या की भगती की आ। ये जिहड़ा सरोवर तुम पिछे देख रहे हो इस सरोवर के पांच ऐतवार नहाउण दे नाल चमड़ी का चाहे जिड्डा मर्जी रोग वड्डा होवे इत्थे पांच ऐतवार इशनान करन दे नाल ठीक हो जाता है। साढ़े नाल संगत जुड़ी है चंडीगढ़ तो पुछदे हैं किदां दा रोग सी ठीक होए ने किन्ने टाइम तो इत्थे आ रहे हैं। भाई जी सब तो पहला तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जी बाबा जी मैं चंडीगढ़ तो आया जी। मैनू इस जी प्रॉब्लम सी ना सोरैसिस की प्रॉब्लम सी मैं चार साल तो प्रॉब्लम सॉरी एक साल तो प्रॉब्लम सी। ये मेरा चौथा संडे है इतने मेरे सिर च पहले बहुत ज़्यादा ना डेंड्रफ टाइप सीगा झड़दा सीगा तो पी जी आई तो भी ट्रीटमेंट कराया पर स्टीरोइड देंदे है स्टीरोइड देंदे कि जब तक दवाई लेंदे तद तक तो ठीक है जो छड़दे आपां नूं तो फिर दोबारा उसी पोजिशन च आ जाता है। फिर जब मैनूं तुहाडे चैनल के माध्यम राही मैनूं इत्थे दा पता चलिया फिर मैं उत्थे पहले संडे आया तो पहले संडे तो ही मैं फर्क नज़र आना महसूस हो गया तो दूसरे संडे तो मैं अपनी जी दवाइया सारी छड़ती थी तो हूँ मैंने चौथा संडे होया इतने आते हुए तो मेरा सिर बिल्कुल ठीक है तो मेरे पिंडे ते भी निशान सके तो पिंडे ते हूँ निशान मेरे थोड़े थोड़े रह गए बाकी बहुत ज़्यादा फर्क है इतने आते ना। हाँ जी सोरैसिस कई टाइप का है जिमें सारी बॉडी से सारी बॉडी रेडनेस हो जाती रेड तरह की हो जाती है ये किस तरह का सोरैसिस मैं ग्यूटेड प्रोसैसिस जी। हाँ जी हाँ जी ये मेरे बॉडी से दाने 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 होंगे जगह जगह जगह। हाँ जी मेरा ग्यूटेड प्रोसैसिस थी जी। हाँ जी तो हम बहुत फर्क है जी। दवाइया वगैरह भी काफ़ी लिया होनी। हाँ जी पी जी आई तो भी ली तो अपना जोड़े अपना प्राइवेट क्लीनिक आते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों भी दिखाया सर तो उन्होंने बस स्टीरोइड ही दिते है बाकी यही किया कि थोड़ा लंबा इलाज चलना पर इतने मैंने चार संडे काफ़ी बहुत फर्क पै गया सर। लगता जख्म जो सिर के तुम दस रहे हो सिर का सुकना होया कि नहीं होया सिर तो सारा ठीक है जी इस टाइम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बस पिंडे तो है माड़े मोटे रह गए जोड़े वो भी मैंने लगता है कि बाबा जी की कृपा ना अगले संडे मेरा सारा ठीक हो जाऊगा। हाँ जी कृपा तो बाबा जी हो गई है क्योंकि जोड़ा सिर का सगा दसिया भाई साहब ने कि सिर के उपर जो ज़्यादा से सिर बिल्कुल ठीक हो गया तो जोड़ा बॉडी के उत्ते जोड़े छोटे छोटे दाने वो भी ठीक होने शुरू हो गए हैं। सो ये महापुरशों की कृपा क्योंकि उन्होंने भगती की सवेर तो लैके जोड़ा गुरबाणी जाप हों कीर्तन चलता शाम के चार बजे तक दूरों दूरों संगत आदियां ने नतमस्तक होंगे ने दूरों दूरों बड़े दुखी इतने जोड़े लोग आ जोड़े आ रहे हैं डॉक्टर को लखा करोड़ों रुपया जरा खर्च के भी वो जो आराम नहीं आया तो यह उस परमात्मा की कृपा के ना दुआ तो दुआ दोवें कट्ठिया काम करते हैं। सो ये परमात्मा की कृपा हुई है अज इस सरोवर के नहाने के नाल काफ़ी संगत जिहड़ियां सोरैसिस वर्गी बीमारी तो भी ठीक निजात पा रही ने। साडे नाल सेवादार बलकार सिंह जी हाजिर ने जिन्हों वालों इस सरोवर साधुआना साहब की सब तो पहला वीडियो जी पाई गई सी अज उन्होंने महापुरशों ने इन्हों तो सेवा ली है वो वीडियो पाउण की तो अज मैनूं लगता भी वर्ल्ड के सारे ही सरोवर साधुआना साहब बारे जानते हैं तो दूरों दूरों संगत आउंदियां भी ने। सो बलकार सिंह जी पहला तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं इस सरोवर साधुआना साहब की महिमा नूं सोशल मीडिया के राही लोगों तक पहुँचाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेखो जी मैं तो कुछ करन वाला नहीं गा इहदा करन वाला तां बाबा नानक की मेहर होई है साडे नगर के उत्ते पिंड लंडे कैंद विच इत्थे सरोवर बनिया सरोवर जिथे बने होंदे आ वो पिंड बहुत भागां वाला हुंदा पिंड तो साढ़े इतने गुरु का लंगर अतट वरतद आ सेवादार साढ़े पिंड के बहुत वधिया सेवा निभा रहे हैं क्योंकि साढ़े नगर के बहुत बहुत थवाक आ पिंड का सारे रल मिल के सेवा निभा रहे हैं पिंड के साढ़े एन आर आई वीर का भी बहुत सहयोग आ जिहड़े इतने लंगर के हिस्सा पाते हैं तो सौ जो साढ़े नगर के महापुरश ने बाबा सूर सिंह बाबा राम सिंह ने वाह किए थे भी थोड़े पिंड नगर के इको गुरद्वारा साहब इको ही रहना पर साडे पिंड दे विच इक्को ही गुरद्वारा साहब आ ये जिहड़ा सरोवर आ इत्थे गुरद्वारे दा साहब नहीं असीं इहनूं कहिंदे कि ना असीं इहनूं सरोवर साहब ही रखणा ते गुरद्वारा साहब नहीं बणाउणा गा क्योंकि असीं जिहड़ी बाबे दी बीड आ असीं शुक्रवार पिंड दे नगर दे गुरद्वारा साहब तो लै के इत्थे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करदे आ शुक्रवार नूं ते जिन्हां दे ऐतवार नूं भोग पाउणे आ सो संगतां नूं अपील आ वी वध तों वध वीडियो गां शेयर करिया करो तां कि जो भी किसी नूं कोई तकलीफ आ कोई बीमारी आनू आराम आ सके। सो हुण थोड़े दिन हो गए एक भैन दे मलेशिया तो फोन आया उन्हां दा मलेशिया तो फोन आया वो अगले शनिवार को दिल्ली उन्होंने एयरपोर्ट के उत्ते उतरना आके फिर वो इशनान करके जाएंगे इत्थे आके। सो साडे नगर की पूरे वार्ड के अज साडा नगर का नाम पिंड लंडे के जिहड़ा पहला क्योंकि साडे करमपाल सिंह सिद्धू
वह कबड्डी कराते होंगे सी टूरनामेंट उदों भी साडा पूरे वार्ड के दुनिया के साडे पिंड का नाम करमसपाल सिंह सिद्धू तो उसके ब्रदर ने नाम रोशन किया। सो गल करिए महापुरशां की बाबे नानक देव जी की किसी नूं बाबा नानक ही मूहरे लाउंदा आ के ते साथों वीडियो पैनी सीगी ते वीडियो दे नाल लखां ते करोड़ां लोकां दा इह भला होया। इह वीडियो पैण दे नाल असीं इही कहिंदे हुंने आ वी वध तों वध इस स्थान दित्ती वीडियो नूं शेयर करिया करो तां कि जो भी किसी दे कोई तकलीफ आ उस नूं आराम आ सके। असीं इह वी कहिंदे वी डाक्टरां दे वी ना जाओ ना जाओ तुसीं तो इत्थे भी एक बारी आके तुसी इशनान करके पांच ऐतवार इशनान जरूर करो आके क्योंकि पांच ऐतवार इशनान सरोवर च ही होंगे आ तो सरोवर च ही आके इशनान इत्थे करो आके तो थानू आराम आऊगा जी। सो जिस तरह सेवादार बलकार सिंह जी ने दसा कि पांच ऐतवार इस सरोवर इशनान करने जो चमड़ी का किसी तरह का भी रोग आ जोड़ा वो ठीक हो जाता है महापुरशों की कृपा। तुम देख सकते हो मेरे पिछे जो दूरों दूरों संगत आ के जी इतने दुखी बड़े दुखी लोग आ रहे हैं इशनान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जरा चमड़ी का जरा भयानक रोग जिन्हों आप सुरैसे टाइप कह दें सुरैसे टाइप तरह का रोग है जरा वो भी ठीक होंगे ने बहुत दूरों दूरों संगत होंगी है सवेर तो लैके शाम के चार बजे तक सीधा प्रसारण तुम न्यूज़ पंजाब की चैनल पर देख सकते हो। सो आओ तुहानू लै चलते हैं लाइव प्रसारण वाल ते कराने दर्शन दीदार संगतों के।